नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे ज्ञान विज्ञान ब्रह्म ज्ञान चैनल में स्वागत है। जादूगर कालिया पार्ट 2। जादूगर कालिया ऐसे ही महल में घूम रहा था और उसने बहुत सी सुंदर वस्तुओं को देखा। अंत में उस कमरे में पहुंचा जहां पर सुनैना अपने छोटे बेटे को पालने में झुलाते हुए उसको लोरी सुना रही थी। उसको देखते ही जादूगर कालिया ने सोचा कि इतनी अधिक सुंदर औरत जो स्वर्ग की किसी अप्सरा की तरह है, आज तक उसने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। इस प्रकार उससे अत्यधिक मोहित होकर वह सीधा उसके पास चला गया और उससे कहा कि मैं तुमको पसंद करता हूँ, तुम मेरे पास मेरे साथ मेरे घर पर चलो, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। लेकिन सुनैना ने कहा, मेरा पति है, मुझे डर है कि उनकी मृत्यु हो चुकी है, फिर भी मेरा यह छोटा सा बेटा है जिसके लिए मैं यहाँ निश्चित रूप से रहूँगी और इसको इस दुनिया में जीने के लिए इसको शिक्षा देकर एक बुद्धिमान और चालाक पुरुष बनाऊंगी, यही मेरी जिम्मेदारी है। और जब वह बड़ा हो जाएगा तो वह दुनिया में जाएगा और अपने पिता को तलाशने की कोशिश करेगा। स्वर्ग के देवता ने मुझे इसी कार्य के लिए नियुक्त कर दिया है, मैं उसको कभी भी नहीं छोड़ सकती हूं और ना ही तुमसे कभी शादी कर सकती हूं। इन शब्दों को जादूगर कालिया ने जब सुना तो बहुत क्रोधित हुआ और उसने सुनैना को अपने जादू के दम पर एक छोटे से काले कुत्ते में बदल दिया और उसे लेकर अपने साथ चल दिया। यह कहते हुए, यद्यपि तू मेरे साथ नहीं आएगी, स्वतंत्र इच्छा शक्ति से जो तेरी है मैं तुझको अपना बनाऊंगा। तो बेचारी राजकुमारी ने कुत्ते के रूप में उसके साथ भागने लगी इधर उधर, लेकिन उसके पास कोई शक्ति नहीं थी उससे बचने की और ना ही यह बताने की उसके साथ क्या हो रहा है जो अपनी दूसरी बहनों को महल में बता सके कि वह एक बेबस कुत्ते के रूप में विवश जादूगर कालिया के इशारे का अनुगमन कर रही है। जैसे ही जादूगर कालिया महल के दरवाजे से पहुंचा, नौकरों ने उससे पूछा, तुमने इस छोटे कुत्ते को कहाँ पर पाया? और उसने जवाब दिया, राजकुमारियों में से एक ने मुझे इसे एक उपहार के रूप में दिया है। इसको सुनते ही नौकरों ने और कुछ पूछे बगैर उसको महल के दरवाजे से बाहर जाने की अनुमति दे दी। इसके कुछ समय के बाद सुनैना की दूसरी छोटी 6 बहनों ने अपने भांजे के रोने की आवाज़ को सुना और जब वह सीढ़ी से चढ़कर उसके कमरे में गई तो उन सब ने देखा कि वहाँ कमरे में कहीं भी सुनैना दिखाई नहीं दे रही थी। फिर उन सब ने नौकरों से पूछताछ की और जब उन्होंने सुना कि एक फकीर और उसके काले कुत्ते के बारे में, फिर उन सब ने अंदाज लगाने का प्रयास किया कि सुनैना के साथ क्या हुआ था। उन्होंने नौकरों को हर दिशा में उन सब की तलाश करने के लिए भेजा, लेकिन उन सबको कहीं भी ना वह फकीर ही मिला ना ही उसका काला कुत्ता ही मिला। वह सब निराश होकर महल में वापिस आ गए। बेचारी 6 औरतें क्या कर सकती थी? उन सब ने अपनी बहन और अपने दयालु पतियों की हर प्रकार से आशा को छोड़ दिया
अपना सारा ध्यान सुनैना के बेटे के परवरिश और उसकी देखभाल के साथ उसकी शिक्षा दीक्षा में लगा दिया। समय गुजरता रहा और सुनैना का पुत्र 14 साल का हो गया। फिर एक दिन उसकी चाची ने उसको अपने परिवार का इतिहास बताया। इसको सुनने के बाद वह अपने पिता, अपनी माँ और अपने चाचाओं को खोजने के लिए अत्यधिक उत्सुक हो गया और इसके साथ उसने दृढ़ संकल्प किया कि वह बाहर संसार में जाकर उन सब की तलाश करेगा और इसके लिए उसने अपनी इच्छा को भी अपनी चाचियों के सामने जाहिर किया और यदि वह अपने माता पिता और चाचाओं को कहीं पर जिंदा मिल गए तो उन सब को अपने घर पर वापस लाएगा। उसकी चाचियों को उसके दृढ़ संकल्प के बारे में जानकारी जब हो गई तो उन सब ने उसे रोकने के लिए प्रयास करने लगी और वह चाहती थी इसका यह विचार बदल जाए। इसके लिए उन्होंने राजकुमार से कहा, हम सब ने अपने पतियों को खो दिया है, अपनी बहन को खो दिया है और उसके पति को भी खो चुकी हो। अगर तुम यहाँ से बाहर गए हो सकता है तुम भी खो जाओ, तो हम सब किसके सहारे यहाँ पर जिंदा रहेंगे और क्या करेंगे। लेकिन उस लड़के ने अपनी चाचियों को उत्तर दिया, मैं तुम सबसे प्रार्थना करता हूँ कि तुम सब लोग मुझे निरुत्साहित मत करो, मैं जल्दी ही वापिस आऊँगा। अगर यह संभव हुआ तो मैं अपने साथ अपने माता पिता और चाचाओं को ही लेकर आऊँगा। तो फिर इस तरह से वह अपनी यात्रा पर चल पड़ा, लेकिन कई महीनों तक वह कुछ भी नहीं समझ सका कि किस प्रकार से वह अपने संबंधियों को तलाश कर सकता है। और अंत में जब उसने हजारों किलोमीटर की थकान वाली यात्रा को पूरा कर लिया और पूरी तरह से लगभग जब वह निराश हो चुका था, उसको अपने माता पिता और चाचाओं के बारे में किसी प्रकार की कोई सूचना कहीं भी प्राप्त नहीं हुई। इसी बीच वह एक ऐसे देश में पहुंचा जो पूरी तरह से पत्थरों का देश था। बड़ी बड़ी चट्टानें, वृक्ष, इसके अतिरिक्त एक बहुत बड़ी पत्थर की ऊंची कठोर इमारत थी, जिसके एक किनारे पर एक छोटा सा मकान था जिसमें एक माली रहता था। जब वह देख रहा था तभी माली की पत्नी ने उसको देख लिया और भागकर अपने घर से बाहर आई और कहा, मेरे प्रिय बच्चे, तुम कौन हो और तुमने इस खतरनाक स्थान पर आने की हिम्मत के साथ साहस कैसे किया। उस लड़के ने कहा कि मैं एक राजा का बेटा हूँ और मैं यहाँ अपने पिता और अपने चाचाओं की तलाश में आया हूँ। मेरी माँ को एक दुष्ट जादूगर ने डरा धमका कर कुत्ता बनाकर अपने साथ ले गया है। माली की पत्नी ने कहा कि यह देश और यह स्थान एक महान जादूगर का ही है, उसके पास हर प्रकार की शक्तियाँ हैं। जो भी व्यक्ति उसकी आज्ञा का उल्लंघन करता है या उसका अपमान करता है तो वह अपनी जादू की शक्ति से उसको पत्थर या वृक्ष बना देता है। यहाँ पर जो तुम सभी प्रकार के वृक्ष और पत्थर देख रहे हो, यह सब कभी जीवंत प्राणी हुआ करते थे। इन सब को हमारे मालिक जादूगर ने अपनी शक्ति से इस रूप में बना दिया है।
कुछ समय पहले एक राजा यहाँ आया था। उसके कुछ समय के बाद उसके 6 भाई भी यहाँ पर आए थे और उन सबको जादूगर ने पत्थर और वृक्ष में परिवर्तित कर दिया है। और केवल यही दुर्भाग्यशाली लोग नहीं थे, इसके अतिरिक्त एक बहुत सुंदर रानी है जो जिसको इस बड़े इमारत में कैद करके रखा है, जिसको उस जादूगर ने पिछले 12 सालों से कैद किया है, क्योंकि वह जादूगर से नफरत करती है और जादूगर उससे शादी करना चाहता है। फिर छोटे राजकुमार ने विचार किया, अवश्य ही यह मेरे माता पिता और मेरे चाचा ही हैं, मैंने उन सबको अंत में पा ही लिया जिसके लिए मैं भटक रहा था। इस तरह से उसने अपनी कहानी उस मालिक की पत्नी से कहा और उससे प्रार्थना के साथ उससे विनती की कि वह उसकी सहायता करे। इन सब बेकसूर और लाचार लोगों के बारे में और अधिक जानकारी को प्राप्त करने के लिए और इस अप्रसन्न आदमी के बारे में जिसके बारे में अभी आपने बताया है और उस माली की पत्नी ने उसका साथ देने के लिए वादा किया, इस तरह से वह दोनों आपस में मित्र बन गए और माली की पत्नी ने उसको अपना रूप बदलने के लिए सुझाव दिया, क्योंकि जादूगर उसको देखते ही उसे पत्थर में बदल देगा। इस पर राजकुमार तैयार हो गया। इस तरह से माली की पत्नी ने उस राजकुमार को अपनी साड़ी को पहना दिया और यह बहाना किया कि वह उसकी पुत्री है। इसके थोड़े समय के बाद ही एक दिन जैसे ही जादूगर कालिया अपने सुंदर बगीचे में घूम रहा था, उसने एक छोटी सी लड़की को देखा। ऐसा उसने विचार किया जो वहाँ बगीचे में खेल रही थी। तब उस जादूगर ने मालिक की पत्नी को अपने पास बुलाया और उससे पूछा कि वह लड़की कौन है। मालिक की पत्नी ने कहा कि वह उसकी पुत्री है। इस तरह से जादूगर और उस राजकुमार की पहली मुलाकात होती है। राजकुमार एक लड़की के भेष में जादूगर से अपनी पहचान छुपाकर मिलता है और जादूगर उसको देखकर उसे कहता है कि तुम बहुत ही सुंदर, कल सुबह तुम मेरा उपहार लेकर बड़ी इमारत में जाओगी। वहाँ रहने वाली सुंदर औरत के लिए छोटा राजकुमार इसको सुनकर बहुत ही खुश हुआ और तुरंत ही वह मालिक की पत्नी के पास गया और इसके बारे में उसको बताया। उसके साथ विचार विमर्श करने के बाद उसने निश्चय किया कि उसके लिए छद्म भेष में रहना ही उसके लिए फायदेमंद होगा और इसी विश्वास के साथ अपनी माँ से कुछ संबंध भी इसी तरह से स्थापित कर सकता है। अनुकूल अवसरों की संभावना को सुरक्षित रखने के लिए भी यही सुरक्षित होगा कि वह वास्तव में मेरी माँ है। जब सुनैना की शादी राजकुमार के साथ हुई थी तो राजकुमार ने उसको छोटी सी अंगूठी दी थी जिस पर उसका नाम लिखा हुआ था और उस अंगूठी को सुनैना ने अपने पुत्र की अंगुली में पहना दिया था। जब उसका पुत्र समय के साथ बड़ा हुआ तो उसकी चाचियों ने उस अंगूठी का आकार राजकुमार की उंगली के साइज का बनवा कर उसकी उंगली में पहना दिया था। इस तरह से वह अंगूठी अब भी उस राजकुमार ने अपनी उंगली में पहन रखी थी।
कि कुछ ऐसा जो कुछ इस गुलदस्ते में छुपा कर रख दो जिसे तुम्हारी माँ तुमको पहचान जाए, यथाशीघ्र यह बिना किसी समस्या या कठिनाई के संभव नहीं होगा। जैसा कि एक कठोर दरबान हमेशा बेचारी राजकुमारी की ऊपर नज़र रखता है, उसे अभी अपने दोस्तों के साथ संचार स्थापित करने का डर भी हो रहा था। यद्यपि माली के पुत्री के रूप में राजकुमार को रोज फूलों का गुलदस्ता अपनी माँ तक पहुँचाने का मौका मिल चुका था। जादूगर की एक दासी हमेशा उसकी माँ के कमरे में हर वक्त रहती थी। अंत में एक दिन किस्मत ने उस राजकुमार का साथ दिया और उसको एक ऐसा मौका मिल ही गया जब कमरे में केवल उसकी माँ के अतिरिक्त और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था और जब कोई भी उसको नहीं देख रहा था तो उसने अपनी उंगली से अंगूठी को निकालकर उसे फूलों के गुच्छे में बांधकर अपनी माँ सुनैना के कदमों में डाल दिया। इस अंगूठी की जमीन पर गिरते ही एक ठनठन की आवाज़ हुई जिसने सुनैना को नीचे उस फूल के गुच्छे की तरफ आकर्षित किया। सुनैना ने देखा ऐसा क्या इन फूलों के अंदर है जो यह विचित्र आवाज कर रहा है, जिसमें उसने एक छोटी सी अंगूठी को फूलों के साथ बंधा हुआ पाया। उस अंगूठी को पहचानते ही उसको अपने पुत्र के द्वारा बताई गई कहानी पर तुरंत विश्वास हो गया कि उसने कितना अधिक खोज करने के बाद उसको प्राप्त कर लिया है, उसे बचाने के लिए कोशिश कर रहा है और अपने जीवन को खतरा में डाल के पुत्र ने अपनी माँ से कहा कि जो भी उसके लिए अच्छा और शुभ हो, जिसके द्वारा वह अपने माता पिता और चाचाओं को दुष्ट जादूगर कालिया के काले जादू से मुक्त कराने में सफल हो सके वह उसको बताए। उसकी माँ ने उससे कहा कि पिछले लंबे 12 सालों से उस जादूगर ने मुझे इस तरह से कैद करके इस इमारत के सारे दरवाजों को बंद करके रखा है क्योंकि वह मुझसे विवाह करना चाहता है और मैंने उससे विवाह करने से मना कर दिया है। उसकी दासी इतनी निकटता से मेरी रक्षा कर रही है कि उससे रिहाई की मुझे कोई उम्मीद नहीं है दिखाई दे रही है। यद्यपि सुनैना का पुत्र बहुत बुद्धिमान और चालाक था, इसलिए उसने अपनी माँ से कहा जो पहली वस्तु तुमको करनी है वह यह है कि तुम यह पता कर के बताओ कि कालिया जादूगर के जादू की शक्ति का विस्तार कहाँ तक है। केवल इसी तरह से हम अपने पिता और चाचा को इस दुष्ट कालिए के काले जादू से मुक्त कराने में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जो इस समय इसके कैद में पत्थर और वृक्ष के रूप में हैं, तुमने लंबे 12 सालों तक कालिया जादूगर से केवल क्रोध और कठोरता के साथ ही बात किया है। अब तुम उसके साथ उदारता और प्रेम के साथ बात करो। उसे बताओ कि अपने पति का मैंने इतने लंबे समय तक शोक किया और फिर अब मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। फिर पता लगाओ कि उसकी शक्ति क्या है और क्या वह अमर है या उसे मार डाला जा सकता है। सुनैना ने अपने बेटे की सलाह लेने का निश्चय किया और अगले दिन कालिया जादूगर के लिए संदेश भेजा और उससे बात की जैसा उसके पुत्र के द्वारा उसको सुझाव दिया गया था। जादूगर यह सुनकर
बहुत प्रसन्न हुआ। शादी करने के लिए जल्द से जल्द कहा और इसके बाद महल में चलने के लिए अनुमति देने के लिए सुनैना से विनती की। लेकिन उससे सुनैना ने कहा कि इससे पहले कि वह उससे शादी करे, उसको उसे थोड़ा और अधिक समय देना चाहिए, जिससे वह आपस में और अधिक परिचित हो सके। और यह भी है कि दुश्मनी इतने लंबे होने के बाद उनकी दोस्ती का स्तर भी और मजबूत हो सकता है। और मुझे बताओ, उसने कहा, क्या आप पूरी तरह से अमर हैं? क्या मृत्यु आपको कभी नहीं छू सकती है? और क्या आप मानव जाति को महसूस करने के लिए एक महान जादूगर हैं? तुमने क्यों पूछा? उन्होंने कहा, क्योंकि उसने जवाब दिया, अगर मैं आपकी पत्नी हूं तो मैं आपके बारे में सब कुछ जानना चाहूंगी। यदि कोई आपदा आपके ऊपर आ धमकती है तो उस पर काबू पाने के लिए, या यदि संभव हो तो उसे टालने के लिए। यह सच है, कालिया जादूगर ने कहा, मैं दूसरों के रूप में नहीं हूं। दूर से दूर, इससे सैकड़ों मील की दूरी पर वहां एक जंगल वाला देश है जो घने जंगल से ढका है। जंगल के बीच में एक गोला है जहां पर केवल ताड़ के पेड़ विद्यमान हैं, और उस ताड़ के वृक्षों के घेरे के केंद्र में 6 बड़े पानी से भरे हुए तालाब हैं जो एक दूसरे से दूसरे के ऊपर गिरते हैं। 6ठे तालाब के नीचे एक छोटा सा पिंजरा है जिसमें एक हल्का हरा रंग का तोता है। उसी तोते के जीवन पर मेरा जीवन निर्भर करता है। तोते के मर जाते ही मुझे मरना होगा। हालांकि जादूगर ने कहा, यह असंभव है कि तोते को किसी भी प्रकार से चोट पहुंचाया जा सके। उस तोते को सुरक्षित बनाए रखने के लिए मैंने दोनों देश को एक दूसरे देश से बहुत दूर कर दिया है। इसके अतिरिक्त उस देश और तोते की रक्षा के लिए मैंने हजारों जिन्नों को वहां पर नियुक्त कर दिया है। जो भी उसके पास नजर आएगा तुरंत मार दिया जाएगा, वहां कोई पहुंच नहीं सकता है। सुनैना ने अपने बेटे को दुष्ट कालिया जादूगर के बारे में जो भी जाना था वह सब कुछ उससे बता दिया। लेकिन एक ही समय में उसे तोते को पाने के सभी विचार को छोड़ने के लिए भी अपने पुत्र को मजबूर किया। राजकुमार ने जवाब दिया, माँ, जब तक मैं उस तोते को पकड़ नहीं सकता, तुम और मेरे पिता और चाचा मुक्त नहीं हो सकते हैं। डरो मत, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। क्या आप इस बीच में जादूगर को अच्छे हास्य के साथ अब भी तुम उसके साथ विवाह पर अपने विवाद को चालू रख सकती हो? थकाने वाले सैकड़ों मील की यात्रा करने के बाद राजकुमार आखिर में एक बहुत घने जंगल में पहुंचा। तब तक वह बुरी तरह से थक चुका था, जिसके कारण वहीं पर एक बड़े छायादार वृक्ष के नीचे बैठकर आराम करने लगा, जहां पर उसको कुछ ही समय में सुंदर मनोरम हवा के झोंके के कारण निद्रा आ गई। उसकी नींद एक मधुर स्वर ध्वनियों के सुनने के कारण खुल गई, और वह राजकुमार जहां से ध्वनि आ रही थी उस तरफ देखा, जहां पर उसके निगाह के सामने
एक विशाल सर्प जो उस वृक्ष पर चढ़ने का प्रयास कर रहा था। जिस वृक्ष के नीचे राजकुमार सोया हुआ था उसी वृक्ष के ऊपर शाखाओं पर एक चील जोड़े ने अपना घोंसला बना रखा था, जिसमें उस चील के दो छोटे बच्चे बैठे हुए थे। जब राजकुमार ने उन चील के दो निर्दोष बच्चों पर आने वाले संभावित खतरे को देखा, तत्काल राजकुमार ने अपनी तलवार को निकाला और सर्प के टुकड़े करके मार दिया। ठीक उसी समय राजकुमार ने हवा में सरसराहट की आवाज को सुना, जिसके साथ दो वृद्ध चील राजकुमार के सामने आकर खड़े हो गए, जो अपने बच्चों के लिए भोजन लाने के लिए शिकार पर गए थे। अपने बच्चों को घोंसले में छोड़कर उन्होंने जल्दी ही मरे हुए सर्प को देखा और उसके ही समीप पर खड़े हुए राजकुमार को भी देखा और उन चीलों में से वृद्ध चील की मां ने राजकुमार से कहा, प्रिय पुत्र, यह क्रूर निर्दय सांप पिछले कई सालों से इस तरह से मेरे निर्दोष बच्चे को खाकर अपना पेट भरता था, लेकिन तुमने आज मेरे बच्चों का जीवन बचा लिया है। सांप को मारकर जो भी तुमको किसी प्रकार की जरूरत पड़े तुम हमें याद करना और हम तुम्हारे सेवा के लिए अवश्य उपस्थित होंगे, और तुम इन दोनों हमारे बच्चों को अपने साथ ले जाओ अपने सेवक की तरह से। इस पर राजकुमार बहुत अधिक प्रसन्न हुआ और इसके बाद उन दो चीलों ने अपने पंखों को फैलाकर उस पर राजकुमार को बैठा लिया और उसे लेकर वह आकाश मार्ग से यात्रा करने लगे। वह उस राजकुमार को बहुत दूर तक अपने पंखों पर बैठाकर ले गए। जब वह उस घने जंगल में पहुंच गए जहां पर गोल घेरे में उगे हुए बहुत सारे ताड़ के पेड़ कतार से खड़े हुए थे, आकाश में अपने सर को उठाए हुए उनके मध्य में छह पानी के भरे तालाब भी थे। यह दिन के दोपहर का समय था और इस समय गर्मी बहुत अधिक पड़ रही थी। चारों तरफ वृक्षों पर बैठे सभी जिन राक्षस शैतान निर्दंद निशंक होकर गहरी निद्रा में सो रहे थे, वे सब अनगिनत हजारों की संख्या में थे। यह किसी भी व्यक्ति के लिए असंभव था कि कोई व्यक्ति इन दैत्यों और शैतानों से आमने सामने की लड़ाई करके इनको परास्त कर पाए। इसी बीच चील अपने मजबूत पंखों के साथ नीचे की तरफ उतरने लगे। जब वह जमीन से थोड़ा ही ऊपर थे तभी राजकुमार चील के पंख से नीचे जमीन पर कूद पड़ा और चीलों के साथ मिलकर राजकुमार ने केवल एक ही प्रयास में उन सभी छह पानी से भरे तालाबों को प्रदूषित कर दिया और उसके अंदर से जाने वाली सीढ़ी से होकर राजकुमार उस हल्के रंग वाले सुग्गा के पास पहुंच गया और उस सुग्गा को कपड़े में लपेट कर अपने लबादे की जेब में डाल लिया। और जैसे ही राजकुमार चील के पंखों पर सवार होकर आकाश मार्ग से अपनी यात्रा को चला, तभी नीचे सभी जिन अपनी निद्रा से जाग गए और वह सब चिल्लाने लगे। उन सब में अफरा तफरी मच गई जब उन्होंने पाया कि उनका खजाना गायब हो चुका है, जिसके साथ ही एक जंगली और उदासीन चीख की स्थापना हुई। बहुत दूर सैकड़ों मील की यात्रा में उड़ने के बाद वह चील अपने उस घर पर आ गए
जहाँ पर वह विशाल वृक्ष था, वह जिस पर उनका घोंसला बना हुआ था। फिर राजकुमार ने वृद्ध चीलों से कहा कि आप इन छोटे चीलों को वापस ले लीजिए, इन्होंने मेरे लिए बहुत अच्छा कार्य किया है। अगर मुझे कभी इनकी ज़रूरत पड़ी तो मैं अवश्य इनकी सेवा को लूँगा और आपसे सहायता लेने में कभी भी नहीं हिचकूंगा। फिर राजकुमार ने अपने पैरों के द्वारा अपनी यात्रा को शुरू कर दिया और तब तक चलता रहा जब तक कि वह एक बार पुनः दुष्ट जादूगर कालिया के महल तक नहीं पहुंच गया और वहां महल के दरवाजे के पास नीचे बगीचे में बैठकर सुग्गा के साथ खेलने लगा। जादूगर कालिया ने उसे अपने महल की खिड़की से देखा और तुरंत भागकर वह राजकुमार के पास आया और कहा, मेरे बच्चे, तुमने इस सुग्गा को कहाँ पर पाया? तुम इस सुग्गा को मुझको दे दो, इसके लिए मैं तुमसे विनती करता हूँ। लेकिन राजकुमार ने उत्तर दिया जादूगर को, ओह नहीं, मैं अपने सुग्गा को तुमको नहीं दे सकता हूँ। यह कई सालों से मेरा प्रिय पालतू पक्षी है। फिर जादूगर ने कहा, अगर यह तुम्हारा पुराना मन पसंद पक्षी है तो मैं समझ सकता हूँ कि तुम इसको मुफ्त में नहीं दोगे, तो तुम स्वयं ही बताओ इस सुग्गा की क्या कीमत लेना चाहते हो। राजकुमार ने कहा, साहब, मैं अपने इस प्यारे सुग्गे को बेच भी नहीं सकता हूँ। इससे जादूगर कालिया बहुत अधिक भयभीत हो गया और कहा कि तुम इसके बदले में मुझसे कुछ भी ले सकते हो, बस मुझे तुम यह सुग्गा दे दो। चलो ठीक है, तो सबसे पहले राजकुमार ने कहा, चलो ठीक है तो सबसे पहले इन सात राजाओं को मुक्त करो जिसको तुमने पत्थर और वृक्ष बनाया है। जादूगर ने कहा, चलो ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो, तुम केवल मुझे यह सुग्गा दे दो। इसके साथ ही सुनैना के पति समेत और दूसरे छह राजा अपने प्राकृतिक रूप में वापिस आ गए। फिर कालिया जादूगर ने कहा, मुझे यह सुग्गा अब दे दो। लेकिन राजकुमार ने कहा, इतना जल्दी भी क्या है, पहले तुम उन सभी लोगों को आज़ाद करो जिसको भी तुमने अपने कैद में रखा है। कालिया जादूगर ने कहा, ठीक है, और उसने अपनी छड़ी को घुमाया। सबके सब प्राणी जो कभी पत्थर और वृक्ष थे वह सब अपने अपने प्राकृतिक शरीर में वापिस आ गए। फिर जादूगर ने अपने हाथ जोड़कर रोते हुए विनती किया राजकुमार से कि अब तो तुम मुझे यह सुग्गा दे दो। इसके साथ वह पूरा का पूरा बगीचा जो कुछ समय पहले पत्थरों और वृक्षों से भरा था वह चारों तरफ मानव के जीवन की खुशबू से आलोकित होने लगा। सब कुछ जीवित हो गया और सांसें लेने लगे। राजा, पंडित, नौकर, चाकर, सेवक, सरदार, घोड़े, हाथी, सैनिक इत्यादि और घोड़े चलाने के लिए ताकतवर पुरुष आभूषणों से सुसज्जित और सशस्त्र अभिकर्ताओं के साथ सैनिक टुकड़ियां भी। जादूगर ने रोते हुए फिर कहा कि मुझे यह सुग्गा अब दे दो। राजकुमार ने सुग्गा को और सख्ती से पकड़ लिया और उसके एक पंख को जोर लगाकर उसके शरीर से अलग कर दिया। इसके साथ ही दाहिना हाथ जादूगर कालिया का भी उसके शरीर से अलग हो गया। फिर जादूगर कालिया ने अपने बाएं हाथ को फैलाकर राजकुमार से विनती की, मुझे यह सुग्गा दे दो।
राजकुमार ने सुग्गा के बाएं पंख को उसके शरीर से उखाड़ कर कालिया के समीप फेंक दिया, जिसके साथ जादूगर का भी बायां हाथ उसके शरीर से उखड़ कर दूर जा गिरा। मुझे मेरा सुग्गा दे दो दो, यह कहते हुए कालिया जादूगर अपने घुटनों पर गिर पड़ा। राजकुमार ने सुग्गा के पहले दायां फिर बायां पैर को उसके शरीर से उखाड़ दिया, साथ में कालिया जादूगर का भी दोनों पैर उसके शरीर से उखड़ कर दूर हो गए, दूर जा पड़े। जब कालिया जादूगर के शरीर का कोई अंग उसके साथ नहीं रहा, तो वह अपनी आंखों को घुमाते हुए रोते हुए कहा कि मुझे मेरा सुग्गा दे दो। राजकुमार ने सुग्गा का सर पकड़कर मरोड़ दिया, जिससे उस सुग्गा के प्राण पखेरु उसके शरीर से बाहर निकल गए। इसके साथ ही राजकुमार ने वह सुग्गा कालिया जादूगर के पास फेंक दिया, लेकिन जादूगर कालिया का भी प्राण पखेरु एक भयंकर गुर्राहट के साथ उसके नस और शरीर को छोड़कर जा चुके थे, वह मर चुका था। इसके बाद राजकुमार के पिता ने अपनी पत्नी सुनैना को बड़ी इमारत से मुक्त किया, और इस तरह से राजकुमार अपने सभी संबंधियों के साथ अपने देश के लिए प्रस्थान किया, और दूसरे सभी लोग भी अपने देश और नगर घर की तरफ चल पड़े। कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।